बहुत ही विशेष दिन आने वाला है, वो है परम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। जी हाँ, वैसे कई संत महात्मा महापुरुष का प्राकट्य होता है, वैसे वो भी बहुत ही महान दिन है, लेकिन महानतम दिन तो वो है जब परम भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय। तो इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पड़ रही है 30 अगस्त को, सोमवार का दिन होगा, बहुत ही विशेष दिन होगा, क्योंकि हम सब ये विशेष उत्सव मना रहे हैं, पूरा दुनिया भर में मना रहे हैं, सिर्फ इस्कॉन में ही नहीं पूरा दुनिया में ये विशेष अवसर मनाया जाएगा। तो हमें इस विशेष कृपा के दिन में अपने आप को प्लग इन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं, क्या चीज है जो कि भगवान श्री कृष्ण को इतना विशेष बनाती है? अरे भाई, सबके जन्मदिन होते हैं, ठीक है, भगवान का जन्मदिन इसमें इतना क्या खास है? भाई सबके तो जन्म होते हैं, सभी मरते हैं, भगवान का जन्मदिन इसमें इतना क्या खास? तो एक साधारण व्यक्ति ये सोच सकता है कि अरे भाई, सबका जन्म होता है, भगवान का भी जन्म हो गया, तो भाई क्या है भाई, इस पे इतना बड़ा बात क्या है? ठीक है, ठीक है, इट्स ओके मैन, कूल, रिलैक्स। जिस तरह से जब जेल में कैदी होते हैं और प्राइम मिनिस्टर को जेल में आते हुए देखते हैं, तो फिर ये लोग सोचते हैं, अरे अपन लोग 420, ये भी 420, इसने भी कुछ घोटाला किया होगा, तभी तो यही जेल में आया। प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का जेल में आना एक अलग पर्सपेक्टिव से होता है, एक अलग रीजन से होता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं, तो वो ये देखने आते हैं कि अच्छा अच्छा किसी का व्यवहार अच्छा है, सब लोग ठीक से रह रहे हैं, अगर किसी की सजा कम करानी हो तो अच्छा इसका व्यवहार अच्छा है, अच्छा अच्छा ये अभी भी सुधर रहे, हाँ ठीक है तो इसका सजा कम कर दो। इसलिए जब भी जेल में प्रेसिडेंट आते हैं या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो जो भी कैदी है उनके जेल में सजा को कम कराने के लिए आते हैं, वो किसी कर्मों की वजह से नहीं आ रहे, कोई उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण भी इस दुनिया में आते हैं, तो फिर ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलत काम कर दिया या फिर वो भी कर्म में बंधे हुए हैं, ना ना ना, वो लोग इसके लिए नहीं आते, वो लोग हमारे लिए आते हैं ताकि हमारे कर्मों के बंधन को, हमारे कर्मों की जो पोथी है उसको कट कर सके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं, हमारे पापों को कट करने के लिए आते हैं। इसलिए ये बहुत ही विशेष अवसर है भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस। इसी संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर, जो कि 4 अध्याय का 9 श्लोक है और बहुत ही फेमस श्लोक है, वो है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो यति तत्वतः त्यक्त्व देह पुनर्जन्मा नैति मामेति सो अर्जुनः। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्राकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का जो आविर्भाव है मतलब प्राकट्य दिवस, और जो कि कर्म है मतलब लीलाएं, दिव्य कर्म जिसे कहते हैं, वो भी बहुत ही दिव्य है, बहुत ही यूनिक है। इसलिए हमारा जो प्राकट्य होना है, हम लोगों का तो प्राकट्य होता नहीं, हम लोगों का जन्म होता है, हम लोगों का मृत्यु होता है, पर भगवान का प्राकट्य होता है। इसी प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता, उनका आविर्भाव होता है, इट्स अ डिवाइन डिसेंट, और उनके वास्तव में कर्म नहीं होते, उनके लीलाएं होते हैं, जिसे दिव्य कर्म कहा जाता है, दिव्य कर्म। इसी प्रकार से भगवान का आना तो दिव्य है ही है। और इसी संदर्भ में शास्त्रों के अंदर क्या बताया गया है, चलिए देखते हैं। तो फिर ये कृष्ण जन्माष्टमी कितना बड़ा दिन है, इसके अंदर क्या लाभ होता है, क्या पुण्य प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं। गंगायम नर्मदायम यत् पुण्यमर्षत्वे जले सरस्वती जले सत्व पुण्य अवाप्नोति जन्यत्वा सुमुपोषणे भवेच्च मुनि शार्दुल किं कृत्वर्थ। गंगा नर्मदा तथा सरस्वती के जल से स्नान करके या करोड़ों व्रत इत्यादि से जो फल प्राप्त होता है, वो मात्र जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। ओ माय गॉड, वन शॉट, इतनी सारी कृपा, हम कितने व्रत रखे, इसका व्रत रखे, उसका व्रत रखे, एकादशी का व्रत रखे, गंगा में स्नान करे, यमुना में स्नान करे, नर्मदा में स्नान करे, कितने करोड़ों व्रत रखे, इन सबका जो फल है वो सिर्फ जन्माष्टमी में एक व्रत रखने से हो जाता है। ओ माय गॉड, वन शॉट शेयर, अगर आपको इतना सारा पुण्य चाहिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ जन्माष्टमी में व्रत रखिए, पुण्य कमाइए। जन्माष्टमी में आप व्रत रखिए, वन शॉट कृपा आपको मिल जाएगी इन सारे व्रतों के बराबर। इसलिए ये जो जन्माष्टमी का दिन है, ये बहुत ही ज्यादा विशेष दिन है,
इसलिए ये जो कृपा की मर्सी का जो स्पेशल पॉइंट है इसमें प्लग इन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन में कृपा को प्राप्त कर सके। स्पेशल कृपा, द फ्लड ऑफ मर्सी शुड बी डेयर इन योर लाइफ। इसी प्रकार जन्माष्टमी में दान करने का क्या महत्वपूर्ण बात है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि अगर दान देना है तो किसको दान देना चाहिए। इस संदर्भ में भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, चलिए इसको देखते हैं। तो दान अगर हम करते हैं तो किसको करना चाहिए, जिस हिसाब से आपका दान अक्षय हो जाएगा। इस संदर्भ में भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, अन्नम वा सरलम वापी फलम वा वैष्णवाय च यत्किंचित् दीयते विप्र तद्दानम अक्षयम् भवे। हे विप्र, वैष्णवों को अन्न अथवा जल अथवा जो कुछ भी दान दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है, मतलब वो जो पुण्य है ना उसका कभी क्षय नहीं होने वाला। यदि आप दान देते हैं तो किसको देंगे, वैष्णवों को दान देंगे, भगवान के भक्तों को दान देंगे। अगर आप श्री कृष्ण के भक्तों को दान देते हैं तो पद्म पुराण के अनुसार अध्याय 2 श्लोक संख्या 36 के अनुसार अगर हम वैष्णवों को दान देते हैं तो हमारा जो दान है वो अक्षय हो जाता है। और ये जो वैष्णव है ये इस दान को भगवान के सेवा में भी लगाते हैं और भगवान का जो प्रसाद है इसको पूरे दुनिया में बांटते हैं, इसलिए ये जो पुण्य बन जाता है ये अक्षय पुण्य बन जाता है। इसी तरह पापी प्रेत का जो सवाल है वो भी सॉल्व हो जाएगा साहब, और हृदय में जो भूख है वो भी शांत हो जाएगी और भगवान की कृपा भी मिल जाएगी। तो एक तीर से दो निशाने होने वाली है। ऐसा व्यक्ति जो कि जन्माष्टमी में व्रत रखता है, दान करता है, उस व्यक्ति को यमराज का चेहरा कभी दोबारा नहीं देखना पड़ता, क्योंकि वो तो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है इस जन्म के बाद। यस, और भगवान का अभिषेक होगा रात के 12 बजे और भगवान की बहुत ही सुंदर आरती होगी। भगवान की आरती, आरती का मतलब यही है कि आरती, भगवान से रति हमारी भरे। यस, संसार के प्रति इतनी रति हो रखी है हमारी, अरे बाबा, ये भगवान के प्रति रति भला कैसे आएगी। अगर हम जन्माष्टमी में भगवान का व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और भगवान की आरती को देखते हैं तो फिर हमारी भगवान के प्रति आरती बढ़ जाएगी। सो आरति, रति आना, संसार के रति को हटाना, तू भगवान के रति को लाना। आ कल अगर हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और भगवान की आरति को देखते हैं तब हमारी भगवान के प्रति रति बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा भगवान के प्रति हमारी रति आएगी उतनी ज्यादा हम इस संसार के बॉन्डेजेस एंड बैंडेजेस से मुक्त हो पाते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण के आरती होते हुए देखते हैं, उनका दर्शन देखते हैं, तब हमारी भगवान के प्रति आकर्षण और भी बढ़ जाती है। सो हरे कृष्णा।